हेलो एवरीवन वेलकम टू लोनोसेपियंस बैक अगेन विद वन मोर इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड मेमोरी ग्लैंड एज यू ऑल नो इज़ अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ फीमेल्स सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड के मैमरी ग्लैंड के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो कैसे फंक्शन करते हैं सो टू स्टार्ट विद द मैमरी ग्लैंड कंप्राइजेस ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज वन इज एलवियोलर टिश्यू एलवियलर टिश्यू मतलब फैटी टिश्यूज फैट से बना होता है एंड द सेकेंड टाइप ऑफ टिश्योन एज ग्लैंडुलर टिश्य नाउ दीज ग्लैंडुलर टिश्यूज आर मोर इंपॉर्टेंट ग्लैंडुलर टिश्यूज आर डिवाइडेड इंटू फिफ्टीन टू ट्वेंटी मैमरी लोब्स जैसे मैंने यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव लोब्स मैंने बना रखे हैं मैमरी लोब्स एक्चुअली दे आर आर फिफ्टीन टू ट्वेंटी मैमरी लोब्स तो दीज लोब्स आर फॉर्म बाई ग्लैंडुलर टिश्यूज मैंने आपको शुरुआत में बताया कि दो टाइप्स के टिश्यूज होते हैं मैमरी ग्लैंड में एल्व्यूलर टिश्यू जो कि फैट बनाते हैं फैट कंप्राइज करते हैं और दूसरे होते हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज दीज ग्लैंडुलर टिश्यूज फॉर्म 15 टू 20 मेमोरी लोब्स सो इस तरह के जो लोब्स आपको दिख रहे हैं लगभग 15 टू 20 लोब्स आर प्रेजेंट इनसाइड साइड ईच मैमरी ग्लैंड नाउ इन साइड ईच लोब ये जो एक मैमरी लोब है इसके अंदर आप देख रहे हैं जो रेड कलर से बना हुआ है एक एक लोब में नाउ फ्रॉम दीज एल मैमरी ट्यूब्यूल अराइज जितने भी यहां पर एलवई बने हुए हैं हर एक लोब में जितने भी एलवलाई है हर एक एलव्यूलाई से मेमोरी टीबुल्स निकलते हैं ठीक है तो सपोज करिए ये एक मेमोरी लोब इस मेमोरी लोब के अंदर ढेर सारे एलविलाई और हर एक एलविलाई में से मेमोरी टीबुल्स निकल रहे हैं तो ये देखिए मेमोरी टीबुल्स निकल रहे हैं तो हर एक मेमोरी लोब से कई सारे मेमोरी टीबुल्स निकलेंगे जितने उस मेमोरी लोब में एलविलाई होंगे उतने मेमोरी टीबुल्स इस मेमोरी लोब से बाहर निकलेंगे एंड दीज टीब्यूल्स ऑफ वन लोब जितने भी एक लोब से मैमरी टिब्यूल्स निकलते हैं वो सब ज्वाइन कर जाते हैं देखिए ये सारे टिब्यूल्स निकल के ज्वाइन कर गए हैं टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट ठीक है तो, तो देखिए सीक्वेंस आप एक्चुअली ये सीक्वेंस ही पूछा जाता है आपको सीक्वेंस याद करना होगा कि मेमोरी लोब मेमोरी लोब के अंदर ग्रुप ऑफ एल्विलाई और हर एक एल्विलाई से मेमोरी टिब्यूल्स अराइज होती हैं ये मेमोरी टिब्यूल्स जब मेमोरी लोब के मेमोरी लोब के बाहर निकलती हैं तो ये सब की सब ज्वाइन कर जाती है। हर हैं हर एक मेमोरी लोब की जो टीबुल्स निकल रहे हैं हर एक मेमोरी लोब से कई सारे टेबुल्स निकल रहे हैं दे ज्वाइन टू फॉर्म द मेमोरी डक्ट इस लोब की मेमोरी डक्ट एक दिख रही है इस लोब की भी एक मेमोरी डक्ट है तो हर एक लोब की मेमोरी डक्ट मेमोरी ट्यूबुल्स ज्वाइन करके मेमोरी डक्ट बनाते हैं नाउ दीज मेमोरी डक्ट्स जो अगल बगल के मेमोरी लोब्स होते हैं जैसे मान लीजिए दो मेमोरी लोब्स हैं ठीक है थीके? तो इनकी जो मेमोरी डक्ट है ये अगेन फ्यूज कर जाएगी तो देखिए ये दोनों मेमोरी डक्ट जो है फ्यूज कर जाती हैं टू फॉर्म द मेमोरी एम्पेला यहां पे आप देखिए ये मेमोरी डक्ट्स हैं ये तो हो गई आपकी मेमोरी टिबुल्स ये हो गई मेमोरी टिबुल्स एंड दीज मेमोरी टीबुल्स ज्वाइंट टू फॉर्म द मेमोरी डक्ट और ये सारी की सारी ये तीन मेमोरी डक्ट ज्वाइंट टू फॉर्म मैमरी एंपेला जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है ये है मेमोरी एम्पिला And these memory ampula, कई सारे मेमरी एम्पला होंगे पांच ही लोब बनाए की कई सारे मेमरी एम्पला भी होंगे तो ये सारे मेमरी एम्पला आगे कंटिन्यू करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैक्टिफेरस डक मेमरी एम्पला के बाद जो आगे डक दिख रही है ये वाली डक ये कहलाती है लैक्टिफेरस तो डे बार फिर से देख लेते हैं मेमरी लोब्स मैमरी लोब्स के अंदर ग्रुप ऑफ एलविलाई ये सारे ग्रुप ऑफ एलविलाई जितने भी एलविलाई हैं इनसे अराइज होगा मैमरी टिबुल्स मैमरी टेबुल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म अ मैमरी डक्ट मैमरी डक्ट ऑफ टू और थ्री लोब्स दे ज्वाइंट टू फॉर्म मैमरी एम्पला एंड दीज मैमरी एम्पला देन कंटिन्यूज इन द फॉर्म ऑफ लैक्टिफेरस डक्ट टू ओपन थ्रू द निपल ये लैक्टिफेरस डक्ट जो है वो निपल से बाहर की ओर खुलती है तो एक्चुअली जो स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड है उसमें आपको यही याद करना है कि किसके बाद कौन सा पार्ट आ रहा है और इसी याद करने में कन्फ्यूजन हो जाता है जो स्टूडेंट्स हैं वो भूल जाते हैं कि, कि किसके बाद कौन सा पार्ट लिखना है लोग के बाद ट्यूबुल आ गए ट्यूबुल के पहले डक्ट आएगी इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है इसीलिए यहाँ पर मैंने आपके लिए क्लियर कट डाइग्राम बना रखा है एंड नाउ बिफोर कंप्लीटिंग द लेक्चर मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ मेरा एक फ्रेंड है उसका नाम है ललित तो ललित एक दिन जब अपना काम खत्म करके रात को अपने घर वापस आया तो उसने देखा कि उसका घर से लैपटॉप में है लैपटॉप चोरी हो गया है तो उसका एक पेट डॉग था उसने डॉग से पूछा कि लैपटॉप कौन ले गया है यानी ललित ने अपने डॉग से लैपटॉप के बारे में पूछा तो इसको मैं लिख देता हूं ललित आस्क द डॉग अबाउट लैपटॉप एंड नाउ द स्टोरी एंडस अब आप सोच रहे होंगे कि इस स्टोरी का स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड से क्या कनेक्शन है तो कनेक्शन भी देख लेते हैं ललित आस्क द डॉग अबाउट लैपटॉप हो गया कनेक्शन आप देखिए ललित लोब्स ये मेमोरी लोब्स हैं मेमोरी लोब्स कहाँ खुल रहे हैं एलविलाई में एलविलाई टिब्यूल्स में कर लीजिए आप एलव टिब्यूल्स में टिब्यूल डक्ट में, डक्ट एम्पुला में और एम्पुला लैक्टिफेरस डक्ट एंड देन आउटसाइड थ्रू द निपल तो आपको मैंने ये स्टोरी इसीलिए सुनाई कि आपको ये सीक्वेंस याद रहे कि लोब्स के बाद एलविलाई एलविलाई के बाद tibules tibules kibad duct then ampulla then lactiferous duct and ultimately the nipple so i hope you enjoyed the story we'll meet again with some more interesting topic stay tuned thank you